दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं हमीर और आपका केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एबी टॉक के एक और नए एपिसोड लेकर, और इस एपिसोड में मैं आपको कल होने वाली चेन्नई एफसी और जनसपुर एफसी के मैच की लाइनअप बताने की कोशिश करूंगा, और उसके साथ साथ ही नॉर्थ सीनारियर के जो आदिल शाह का जो रिप्लेसमेंट का बात चल रहा था उसके बारे में भी बताऊँगा। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कल के मैच के लिए दोनों टीमों का लाइनअप, और उसके बाद न्यूज़ बताऊंगा। तो दोस्तों कल के मैच के लिए चेन्नई एफसी का लाइनअप हो सकता है 4-4-1-1, और गोलकीपर रहेगा करणजीत। इनके अलावा टीम में होगा कैलड्रॉन, सेरेनो, मर्सन, जेडी, विक्रमजीत, धनपल, फ्रांसिस्को, ऑगस्टो, नेल्सन और जे। तो चलिए आप बात कर लेते हैं जनसपुर एफसी का लाइनअप। तो इनका फॉर्मेशन हो सकता है 4-2-3-1, गोलकीपर रहेगा पॉल। इनके अलावा टीम में होगा सोभिक, बेके, त्री, मिमो, मेहताब, जायरू, सिद्धार्थ, टिंडाडे और आजुका। तो ये तो हो गया कल के मैच के लिए दोनों टीमों का लाइनअप। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि विनिंग चांसेस किस तरह से रह सकता है। तो कल के मैच के लिए चेन्नई एफसी को मैं दूंगा 70%, उनका रहेगा 70% जीतने का चांस, और जमशेदपुर एफसी का रहेगा 30% चांस। क्योंकि दोस्तों आप तो देख सकते हैं कि किस तरह से चेन्नई एफसी खेल रहा है, और जमशेदपुर एफसी अभी तक उस तरह से खेल नहीं पा रहा है। तो उसके मुताबिक मैंने इस तरह से आपको बताया कि इस तरह के परसेंटेज हो सकते हैं कल के मैच के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कौन मैच जीत सकता है। तो चलिए कल के मैदान पे ही देखा जाएगा कौन जीतेगा, और मेरा प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों आईएसएल का सबसे ताज़ा न्यूज़ आज जो मुझे मिला है, आदिल शाह का रिप्लेस। दरअसल दोस्तों आदिल शाह नॉर्थ यूनाइटेड की टीम में खेलते हुए चोटिल हो गया था, और उनका जो इंजरी है बहुत ही सीरियस है, और बहुत लंबे समय तक उन्हें भुगतना पड़ेगा और मैच भी नहीं अटेंड कर पाएगा। इसीलिए उनको टीम से बाहर होना पड़ा, और उनके जगह एक रिप्लेसमेंट का बात चल रहा था टीम में, और उसके लिए एक नाम आया है हेलियो पिंटे, जिनका एज है 33 साल और पुर्तगाल का एक मिडफील्डर है। दोस्तों तो पिंटो को साइन करने के लिए नॉर्थ यूनाइटेड बहुत आगे बढ़ चुका है, और ऐसा खबर आ रहा है कि लगभग तय हो चुका है कि उनको ही साइन करेगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पिंटो APOEL FC तरफ से खेल चुके हैं, जो उनका क्लब है उनका तरफ से खेल चुके हैं, और उसके अलावा बेनफिका क्लब से भी खेल चुका है, त्रिकाला क्लब से भी खेल चुका है। बहुत ही उम्दा एक मिडफील्डर है जो नॉर्थ यूनाइटेड के टीम के लिए बहुत ही अच्छा एक खिलाड़ी रहेगा। तो दोस्तों लगभग 90% ये तय हो चुका है कि पिंटो ही उनका जगह लेगा टीम में, और रिप्लेसमेंट हो जाएगा आदिल शाह का। लेकिन दोस्तों अभी तक ऑफिशियली कुछ घोषणा नहीं हुआ है नॉर्थ यूनाइटेड की तरफ से, लेकिन बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ ही उनका जो ड्यूस, जो उनका कोच है, उनका भी रिप्लेसमेंट का बारे में सोच रहे हैं टीम। दरअसल दोस्तों उनका जो प्रदर्शन था टीम में, जो टीम का जो प्रदर्शन चल रहा है उनके वजह से वो बहुत ही ख़राब है, और नॉर्थ यूनाइटेड सोच रहा है कि उनको भी एक रिप्लेसमेंट ज़रूरत है कोच में। तो दोस्तों ये बात चल रहा था, लेकिन अभी तक एक क्लियर नहीं हुआ है। 30 दिसंबर को जो पुणे के साथ मैच है उस मैच में तो कोच रहेगा, और उसके बाद सोचा जाएगा कि कौन रिप्लेसमेंट हो सकता है इनके बदले। तो अभी नहीं पता चल सकता है, 30 दिसंबर के आगे तो कुछ नहीं ऐसा घोषणा हो सकता है, पुणे के मैच के बाद ही ऐसा घोषणा होगा, और मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कुछ पता चलते ही। तो दोस्तों आज के आईएसएल न्यूज़ में बस इतना ही खास था, और कुछ खास नहीं है आज के न्यूज़ में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में पता चले। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।